mabitikitchen.com में आपका स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारी लेटेस्ट अपलोड देखने। नमस्कार दोस्तों, आज मैं बनाऊंगी व्रत के लिए बहुत ही टेस्टी फरियाली नाश्ता और इसके साथ मैंने इसकी चटनी भी बनाई है जिसको हम व्रत में आराम से खा सकते हैं। तो देखिए, हमने ये बॉल्स बना करके तैयार की है और बहुत ही डिलीशियस है। तो रेसिपी बनाना हम शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर 4 उबले हुए आलू लिए हैं जिनको मैंने छील लिया है और अब हमें अपने हाथों की सहायता से आलू को अच्छी तरह से मैश करना है। आप चाहें तो इन्हें कद्दूकस भी कर सकते हैं, बट ये हाथ से भी हम इसे मैश कर सकते हैं। तो आज मैं इसे हाथ से मैश कर रही हूँ और आलू को मैंने मैश करके तैयार कर लिया है और अब हम इसमें मिलाएंगे जिंजर। तो यहाँ पर मैंने जिंजर लिया हुआ है आधी छोटी चम्मच के करीब। ये हमने कद्दूकस किया हुआ जिंजर लिया है। साथ ही में हम इसमें काली मिर्च मिला देंगे। तो आधी छोटी चम्मच के करीब हम इसमें काली मिर्च मिला देंगे और मैंने यहाँ पर 2 हरा मिर्च काट करके लिया है, उसे भी डाल देते हैं। तो बारीक कटा हुआ हरा मिर्च डाल दिया हमने। साथ में मैंने मूंगफली ली है जिसको इस तरह से दरदरा कूट लिया है, ये कच्ची मूंगफली ही है। और अब हम इसमें डालेंगे सेंधा नमक। तो अगर आप नॉर्मल बना रहे हैं इस नाश्ते को तो आप इसमें सिंपल नमक डाल दीजिए, बट अगर आप फरियाली बना रहे हैं तो इसमें सेंधा नमक डालिए। अब मैंने यहाँ पर टमाटर लिया है जिसके बीज हटा दिए हैं और इसको बारीक बारीक में मैंने पीसेस में कट कर लिया है, तो इसे भी हम मिला देते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो धनिया हम थोड़ा ज़्यादा डालेंगे, इसमें इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। और अब हम इन सारी चीज़ों में मिला देते हैं सिंघाड़े का आटा। तो यहाँ पर मैं 2 चम्मच सिंघाड़े का आटा मिला रही हूँ। अगर आपके पास सिंघाड़े का आटा नहीं है तो आप इसमें कुट्टू का आटा भी मिला सकते हैं, तो दोनों में से आप कोई भी आटा यूज़ कर सकते हैं। और अब इन सारी चीज़ों को हम अपने हाथों की सहायता से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए, हमने सारी चीज़ें आपस में अच्छी तरह मिक्स कर ली हैं। और अगर आपको लगे कि आपका आलू थोड़ा गीला है तो आप इसमें थोड़ा सा आटा और ऐड कर सकते हैं, बट ये इसी तरह का होना चाहिए। और अब हम हाथों पे घी या तेल लगा लेंगे और इसके हम बॉल्स बनाएंगे। तो मीडियम आकार के हम बॉल्स तैयार करेंगे, इस तरह से हाथों में राउंड शेप देते हुए। ये देखिए, हमने इसकी बॉल्स तैयार कर ली हैं और बहुत ही इजी है इसकी बॉल्स बनाना। तो सारी बॉल्स हम इसी तरह से बना करके तैयार करेंगे। और अब हम इन बॉल्स को डीप फ्राई करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने तेल गरम होने के लिए रख दिया है, तो तेल को मैंने मीडियम आंच पर गरम होने के लिए रखा है और हम एक एक करते हुए इसको तेल में डालेंगे। तो एक बार में हमें ज़्यादा नहीं डालने हैं, सिर्फ 4 से 5 ही हम डालेंगे एक बार में। और इसे मध्यम आंच पर सुनहरा रंग होने तक तल लेंगे। तो जब ये नीचे से हल्के ब्राउन हो जाए तब आप इसे इस तरह से हल्का हल्का चला दीजिए। और इसे अब हमें सुनहरा रंग होने तक तलना होगा, तो इस तरह से हम चलाते रहेंगे इसे। और देखिए, कलर इसका चेंज होने लगा है। और बॉल्स हमारी तर करके बिल्कुल तैयार हो गई हैं। देखिए इसका कलर कितना अच्छा आया है। अब हम इसको एक टिश्यू पेपर में निकाल लेंगे। और अब हम इसके लिए चटनी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने हरा धनिया लिया है, इसको मैंने अच्छी तरह धो लिया था, साफ कर लिया है। साथ में मैंने गरी ली हुई है और हमने यहाँ पर मूंगफली ली है। तो हमने यहाँ पर 8 से 10 मूंगफली के दाने लिए हैं और 2 मिर्च ली है। साथ में हमने सेंधा नमक लिया है। इन सारी चीजों को हम मिक्सी जार में डाल करके पीस लेंगे और चटनी भी हमारी फरियाली बनकर तैयार है और फरियाला नाश्ता भी हमारा बनकर तैयार है। तो आप इसे अपने व्रत में जरूर बनाइएगा और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी जरूर पसंद आई होगी। तो मिलते हैं हम एक और नई रेसिपी के साथ।